Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Janabe Sadr Morana Issa Mansouri Sahab, Morana Akhtar Sabah Ghadi Sahab, Muazzez Hazirin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. डॉक्टर महमूद अहमद गाजी से मेरा तारुफ़ मौलाना ईसा मंसूरी साहब के ज़रिए हुआ और मैंने महाजरात के जितने भी एडिशन छपे हैं उनका मुताला किया और जब मौलाना ईसा मंसूरी साहब ने ये बताया कि वो अक्टूबर नवंबर में आने वाले हैं तो मैं बड़ी बेचैनी से उनसे मुलाकात का इंतज़ार कर रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुछ और रकम किया हुआ है। मुझे उससे इस मुलाकात में बेहद कलक और अफसोस रहेगा, इसलिए कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उनके लिए इस दुआ से करना चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी भर अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जो जद्दोजहद करते रहे, अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल करम से उसे कबूल फरमाए, उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बाग़ों में से एक बाग बनाए। वो मुझे यकीन है कि वो होगा। हमें तो अब तक ये पढ़ते आ रहे थे कि जब एक शख्स का इंतकाल होता है तो उसके सारे अमल मुनक़त हो जाते हैं सिवाय तीन के, जो तीन इस्तेस्ना हैं कि आपने सदका जारिया कोई ऐसा छोड़ा हो जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, या आपकी औलाद साले हो जो आपके लिए दुआ करती रहे, या आपने इल्म का ऐसा ज़खीरा छोड़ा हो कि जिससे लोग रहनुमाई हासिल करते रहें। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब मरहूम अल्लाह के फजल करम से तीनों जहतों से आज भी मुस्तफीज हो रहे हैं और इंशाल्लाह होते रहेंगे। और अचानक मुझे एक वो रिवायत याद आ गई कि एक जनाजा जा रहा था और लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत। फिर एक और जनाजा जा रहा था उसके बारे में लोग बातें कर रहे थे तो हुजूर ने फरमाया वजबत। तो पूछा गया कि हुजूर ये क्या मामला है कि एक मौके पर आप लोग तारीफ़ कर रहे थे उस मरने वाले की, आपने कहा वजबत, कहा कि लोग उसके बारे में जिस राय का इज़हार कर रहे थे अल्लाह ताला भी वैसे ही फैसला करेगा, इसलिए कि जो लोगों में मकबूल है अल्लाह ताला ने उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी और जिसने लोगों को अजियतें पहुँचाई थी उसके बारे में जो लोग शिकायत कर रहे थे तो लोग उसके बारे में जो कह रहे थे अल्लाह ताला भी वैसे फैसला करेगा। तो इसलिए जो कुछ हज़रत डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब के बारे में उलमाए किराम ने, दीनी हलकों ने, आम मुसलमानों ने जो जज्बात रखते हैं और जिन ख्यालात का इज़हार किया तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक जब मक्का में रहे तो सारा मुआशरा उन्हें अस्सादिक और अलामीन के तरह, लेकिन जो ही आप के वो ये हुक्म मिला कि कुम फान देर तो वही मुआशरा, वही लोग, वही जो है ज़ात रिसालत में आपको जो कुछ कह रहे हैं आपको कुरान मजीद में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस लिहाज से मैं देख रहा था कि डॉक्टर साहब के बारे में दोस्तों जो कहते हैं दुश्मन क्या कहते हैं। मैं इसके इंटरनेट पे देख रहा था कि मैं देखूं कि क्या तासुरात उनकी हैं, इसलिए कि दुश्मन जितना आपसे खाइफ होगा, आपसे दुश्मनी रखेगा, उतना ही आपको अपने मकसद का और लगत का यकीन होना चाहिए कि आप सही रास्ते पर हैं।
तो मैं एक कादियानी वेबसाइट देख रहा था, उसमें वो डॉक्टर साहब का तारुफ करवाते हैं और हर चीज़ नहायत तौहीन आमेज अंदाज में उन्होंने लिखी है। उन्हें इस बात पर एतराज़ है कि डॉक्टर साहब के वाले महरूम 1954 में पाकिस्तान की आए, पाकिस्तान बनने के 7 साल बाद पहले आ जाना चाहिए था। फिर वो कहते हैं कि जब ये आए तो बेनोरी टाउन के मदरसे में इन्होंने दाखिला लिया और उसके बाद वहाँ से मौलवी फाजिल हुए। फिर जब इस्लामाबाद चले गए तो एम ए इस्लामियात किया और इससे उन्होंने ये नतीजा अखज किया कि डॉक्टर साहब जो थे, इट सीम्स दैट ही रिसीव्ड लिटिल एजुकेशन इन लिबरल एंड सेकुलर डिसिप्लिन्स। इससे आप अच्छा फिर आगे कहते हैं कि वो अपनी नौजवानी में इस्लामी जमीयत तलबा से मुतालिक रहे, तहरीक अहले सुन्नत वल जमात से मुतासर रहे और ये और इनके भाई मोहम्मद गजाली साहब वर बोथ एंटी शिया एक्टिविस्ट एंड वर हेल्प फाइनेंशियली बाय ट्राइबल चीफ्स ऑफ डेरा इस्माइल खान। ये वो वेबसाइट पे जो कुछ इन्होंने डाला है उसके बाद की बात है कि जब साउथ अफ्रीका के मुकदमे में जहाँ डॉक्टर साहब पेश हुए और वहाँ पे कादियानियों को हजीमत उठानी पड़ी, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और उस फैसले में से चंद जुमले उठा के उन्होंने और ये नहीं बताया कि ये फैसले का हिस्सा है। जजरा करते वक्त मुखालिफ वकील ने उनके बारे में इन ख्यालात का इजहार किया है और उससे पहले फिर वो डॉक्टर साहब के बारे में उनकी इल्मी हैसियत को ये कहकर घटाना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो अपना सीवी उस अदालत के मुकदमात में मिसलों के साथ जमा कराया उसके मुताबिक वो है तो बड़ा इम्प्रेसिव, लेकिन उसमें ये लगता है कि गोया ये बहुत ही लायक शागिर्द थे कि 16 साल की उम्र में इन्होंने एमए कर लिया और 17 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी उनके ये चीज़ उनको हंस नहीं हो रही थी कि एक शख्स इतना जहीर फतीन और लायक भी हो सकता है, वैसे उनकी हैसियत घटाने के तौर पे पेश कर रहे हैं। फिर जो खिदमात मिल्लत इस्लामिया के लिए डॉक्टर साहब ने जान दी उसको भी लिटिल करने के लिए वो ये कहते हैं कि असल में तो डॉक्टर साहब को जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में उनके एक अरबी ट्रांसलेटर के तौर पे काम करने का मौका मिला, उन्होंने अपना जो है वो जौहर दिखाने शुरू किए और अपने गुल खिलाने शुरू किए और उसके नतीजे में उन्होंने जो है एक कमेटी बनी जब 1984 में उसके उनको मेम्बर बनाया गया। उस कमेटी ने ये सज़ा दी कि डेथ पनिशमेंट फॉर अपोस्टेसी इन पाकिस्तान, कि जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीम हैं नए नबूवत के दावा करते हैं उनके लिए सजाए मौत का कानून मंजूर कराया। ये गोया उनकी नज़र में एक बहुत बड़ा जुर्म है जो उन्होंने कराया। उसके बाद वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब के बारे में कि गाजी साहब के बारे में कि गाजी हैज़ ड्यूअल स्टैंडर्ड्स एज अपोस्टेसी एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एज वन फॉर मिर्ज़ा एंड वन फॉर अनदर्स। अगर आप अपोस्टेसी का इंग्लिश डिक्शनरी पे तर्जुमा देखें कि ये लफ्ज़ वो किस माने में इस्तेमाल करते हैं, यानी एक रसूल जो आके पहले वाले रसूलों की शरीयत को मंसूख कर देता है। अब कादियानी अगर ये समझते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मंसूख कर दिया तो वो अपनी गुमराही का ऐलान कर रहे हैं, इससे मुसलमान तो उनकी बात के ऊपर ईमान नहीं ला सकते। फिर वो डॉक्टर साहब के बारे में जो डॉक्टर साहब की खिदमत है कि वो हर शोबे में जिस तरह मेहनत करके आगे बढ़ रहे थे उसके बारे में ये कहते हैं कि डॉक्टर गाजी नोज द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल। ड्यूरिंग द टेनर ऑफ बेनजीर भुट्टो गाजी यूज टू राइट प्रेजेंटेशन फॉर हर पॉलिटिकल अलाई मौलाना फजल रहमान ऑफ जे यू आई
She appointed a member of the Islamic Ideology Council. Nawaz Sharif appointed him judge of Shariat Appellate Court. Ghazi was actively against Mr. Miraj Khalid, who was a liberal and tolerant rector of Islamic University of Islamabad. और फिर नई गवर्नमेंट ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बना दिया। वह कहने का मकसद ये है, इस संकेत को देख के अंदाज़ा होता है कि वो कादियानी उनसे क्यों इतना चढ़ते थे, इसलिए कि खुद जो दावा अकेडमी इस्लामाबाद जिसके कि डॉक्टर साहब डायरेक्टर जी डायरेक्टर थे, उसमें जो कुछ कादियानियों के बारे में उन्होंने लिखा और तफसीर से और लोगों से लिखवाया, उसमें एक सिर्फ चंद जुमले में आपको सुना देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आग क्यों भड़की। राष्ट्र कहते हैं इट वॉज इन दिस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। वो पहले बताते हैं कि मग़रिब जो है वो किस तरह अपना मुसलमान मुल्कों पे तसल्लुत कायम करने के लिए क्या होने की ज़रूरियात थी। वो कहते हैं कि इस कन्फ्यूजन के वास्ते दैट कादियानीज़्म रॉन्गली कॉल्ड अहमदीज़्म एमाइज इन ए फार ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रूरल एरिया ऑफ पंजाब। Undoubtedly, it was a disruptional attempt initiated at the instigation of the British authorities. Primarily a political move, it was presented in a religious garb by doctrinal weapons. ये चीज़ ज़ाहिर है कि कादियानी नहीं हासिल कर सकते, इसलिए वो ये साबित कर रहे हैं कि जी ये अकलियतों के और दूसरे शियों के उनके बकौल बड़े खिलाफ थे। हालांकि डॉक्टर साहब ने जिस तरह पहले मुकर्रर ने कहा कि जितनी मुतवाजिन शख्सियत के मालिक थे उनके जितना मुझे मैं जो उनकी जज्बात से बहुत मुतासर हुआ वो ये कि उनकी इल्म में इतनी हुजूरी थी कि आप उनसे कोई टॉपिक दे दें जिस मौजू पे चाहे घंटों इल्म के दरिया बहा सकते थे। और मुझे उनके जुड़े से इमाम गजाली का वाकया याद आ गया कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जब पहली बार पढ़ के अपना मदरसे से वापस घर जा रहे थे और उनके जिस काफिले में शरीक थे ऊँट के ऊपर उनकी किताबें और सारे नोट्स थे और जब डाका पड़ गया उस जमाने में लोग लूट लेते थे, उनका सामान भी लूट लिया। वो डाकुओं से इल्तिजा करते रहे कि इसमें कुछ दौलत नहीं है, ये मेरा इल्म का ज़खीरा है, मेरे नोट से मुझे वापस कर दो। तो डाकुओं ने जो कुछ कहा कि अगर इल्म सिर्फ इन कागजों ही में है और तुम्हारे सीने में नहीं है तो तुम आलिम नहीं। ये बात इतनी उनके दिल को लगी कि वापस इमाम गजाली गए और दोबारा सारे इल्म हासिल किया और वो इल्म जो उनके दिल में था सीने में था फिर वो कागजों में नहीं था, फिर उनके नोट्स में नहीं था, फिर उनकी किताबों में नहीं था। ये कैफियत नज़र आती है डॉक्टर साहब की इल्म की। और इसको आप जितनी उनकी तहरीरें हैं यानी उसमें जो महाजरात में है, जाहिर है कि मैं जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिब हूँ उनकी महाजरात फ़िका है, इस चीज़ का कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, सीरत के बारे में हम पहले भी पढ़ते रहते हैं कुछ इल्म रखते, लेकिन जिस अंदाज में फ़िका के मसले को डॉक्टर साहब ने पेश किया है वो वाकई आज के जदीद दौर के तालिबे इल्मों को नौजवानों को पढ़ने के लायक है। मैं सिर्फ इस हवाले से अच्छा फिर जो उन्होंने बात कही थी कि उनका जदीद आर्ट और कल्चर से ये और लिबरल और सेकुलरिज्म डिसिप्लिन से कोई डॉक्टर साहब का ताल्लुक नहीं था, कोई तालीम नहीं थी। तो मैं डॉक्टर साहब का एक तबसरा पढ़ रहा था एक किताब के ऊपर और वो था स्लिपरी स्टोन्स एंड इंक्वायरी इनटू इस्लामिक स्टैंस और म्यूजिक। अब म्यूजिक की ये किताब जो है इसके ऊपर खालिद बेग साहब ने लिखी और उन्होंने इस्लाम का नुक्ता नज़र बहुत खूबसूरती से इसमें पेश किया। उस पर डॉक्टर साहब मरहूम का जो तबसरा है वो पढ़े तो पता चलता है कि खुद इस्लामी फ़नून के बारे में उनका इल्म उनका मुताला कितना गहरा है। मैं सिर्फ चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने ये बताया कि असल में मग़रिब जो है कॉलोनियल पावर्स ब्रिटिश और फ्रांस उस ज़माने में वो जब
कब्जा करना चाह रहे थे इस्लामी मुल्कों पे, उन्हें सबसे ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने ये देखा कि भाई हम इनकी इस्लामी आइडेंटिटी जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो कैसे इनके अंदर जो है अपने पंजे मजबूती के साथ गाड़ें। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अब उन्होंने फिर इस्लामी कल्चर का, सिविलाइजेशन का मुताला शुरू किया। इस लिहाज से सकाफती महाज के ऊपर और तहजीबी महाज के ऊपर इनको शिकस्त दी जाए, इनके ऊपर गलबा हासिल किया जाए, तो फिर हमारे पंजे मजबूती के साथ गढ़ सकेंगे। इस सारे तफसील बयान करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि इन दिस प्रोसेस मैनी वेस्टर्न स्कॉलर्स ट्राई टू क्रिएट कन्फ्यूजन अबाउट दोज एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर, सिविलाइजेशन एंड रिलीजन विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीइन्फोर्सिंग मुस्लिम रेजिस्टेंस टू वेस्टर्न पावर एंड विच वर द मेन कॉज ऑफ द डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टिकल फेस्ड बाई द कॉलोनियलाइजर्स। आगे चल के डॉक्टर साहब कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वॉज फेल्ट नेसेसरी दैट इन ऑर्डर टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस द कॉलोनियल पावर शुड क्रिएट अ जनरेशन विद इन मुस्लिम कंट्रीज विच वुड बी वेस्टर्न इन देयर ओपिनियन एंड टेस्ट but oriental in color and ethnic affiliation. Macaulay was author of this idea, was perhaps the most successful colonial thinker who gave a new dimension to western colonialism, which may be termed as intellectual colonialism. Main iske bare mein aakhir mein sirf dr sahab ka ek khitab ka aakhri jumla pesh karke, क्योंकि मेन खिताब तो ज़ाहिर है मौलाना ईसा मसूरी का, और ना सिर्फ हम अपने तासुरात ही बयान करें कि डॉक्टर साहब ने ये डॉक्टर साहब ने खिताब किया था काफिस्तान में, और आस्थाना में इंटरनेशनल कांग्रेस थी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलीजियस की। इसमें डॉक्टर साहब ने कुछ कहा, वही असल में समझता हूँ मैं कि आज की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब कहते हैं, टूडे देर इज जेन्युइन नीड टू सेट ए न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन फ्री फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म एंड सेक्टेरियनिज्म विच शुड बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रू इस्लामिक वैल्यूज। टूडे देर इज ए नीड फॉर नॉन सेक्टेरियन एजुकेशनल सिस्टम एम्बेडेड विद रिलीजियस एजुकेशन कंबाइंड विद मॉडर्न डिसिप्लिन्स। टूडे ऑल रिलीजियस स्कॉलर्स शुड कलेक्टिवली वर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू ट्रेडिशन based on understanding and accommodation. Further challenges are so stupendous that can only be met with a spirit of accommodation and tolerance. ये आप हम सब जानते हैं कि मुसलमानों के जवाल में सबसे बड़ा हिस्सा हमारे तालीमी निज़ाम की खराबी कर रहा है, तालीम से दूरी कर रहा है। मुसलमान मुल्कों की आज़ादी के बाद भी हम कोई ऐसा निज़ाम तालीम मुरतब नहीं कर सके कि जहाँ हम ऐसे लोग पैदा करें कि जो दीनी लिहाज से और जदीद उलूम के लिहाज से भी दुनिया की रहनुमाई करने वाले हों। इस सिलसिले में डॉक्टर साहब मरहूम जो कोशिश कर रहे थे, जो दीनी मदारिस के निसाब मुरतब करवा रहे थे, ख़ुद इब्राहिम कॉलेज के निसाब में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, जो आपके रजा साहब के जामतुल हुदा के बारे में कंट्रीब्यूशन है, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। इसलिए मेरे ये तजवीज़ है कि डॉक्टर साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं मौलाना ईसा मसूरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो एक फ़ंड या वजीफ़ा कायम करें कि जिसमें हम, जाहिर है कि जिनके पास वसाइल हैं वो तो खुद बढ़ेंगे, लेकिन हमें ऐसे नौजवान, ऐसे अफराद तैयार करें जो जदीद तालीम में भी और दीनी लिहाज से भी वो बेहतर हों। वो ये जान सकें कि इस्लाम क्या कहता है, सीरत क्या कहती है, हमारा फ़िक्र क्या कहता है, आज के मसाइल को हम उसकी आज के मसाइल क्या हैं। यानी जब इंसान जो है, आप ये देखिए कि वेस्ट ने जितनी तरक्की की है, जितने उलूम व फ़नून है, हमें उसकी हवा भी नहीं लगी है। हमें इस मैदान में अगर काम करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा फ़ंड कायम करें, हम अपने नौजवानों को निदारों में भेजें जो ये काम कर सके। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।